नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंकिंग सक्सेस में। तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी स्टडी मटेरियल वगैरह बहुत सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो भी पेड बैचेज वगैरह होते हैं वो वहाँ पर फ्री मिलते हैं आपको। तो SBPO 2020 को अगर जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो किस तरह से SBPO को क्रैक करना है, फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, तो वो पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ 2019 की जो रही है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है SBPO का, तो क्या कुछ रहा है और एग्ज़ाम डेट कब तक इसका एग्ज़ाम होने है 2020 के अंदर, और कितनी वैकेंसीज है। तो वैकेंसी जो है वो लास्ट अगर 5 से 6 साल के उठा के देखें तो SBPO के अंदर 2000 वैकेंसी, 2000 प्लस 2300 वैकेंसी, 2200 वैकेंसी, 2100 वैकेंसी, 2000, यही कुछ पैटर्न चल रहा है। तो यही वैकेंसी रहेगी, 2000 वैकेंसी हर साल रिक्रूटमेंट होती है SBPO की। तो 2020 के अंदर भी 2000 वैकेंसीज आएंगी। अब अपने पूरी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से अपने को प्लान बनाना है स्टडी का, ताकि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर अपने इसको क्रैक कर सकें। SBPO अपने एक में बहुत बड़ी जॉब होती है, तो इसके लिए वे अपने चलते हैं इस वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, अगर बात की जाए SBPO की सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए यहाँ पे तीन प्रकार के स्टेज होती हैं। फर्स्ट होता है प्रीलिमिनरी स्टेज, दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशंस, और तीसरा होता है GD ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू। ये तीन ही इसके अंदर स्टेज होते हैं जिनको आपको क्रॉस करना होता है। अगर ये तीनों स्टेज आप पार करते हो तो आप फाइनली SBPO बन जाते हो। अब आगे देखते हैं इसमें वैकेंसी जो कैटेगरी वाइज आती है, ये 2019 की वैकेंसी है। तो जनरल कैटेगरी की 810 वैकेंसी थी, OBC की 540 थी, ST की 150 थी और SC की 300 थी, यानी टोटल 2000 वैकेंसी आई थी 2019 के अंदर। तो ये उस कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी का बता दी कि कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी से है। आगे देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें बार बार आपका डाउट बनती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको अटैम्प्ट्स है। ये जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 4 ही बार आप SBPO का एग्ज़ाम दे सकते हो। जनरल PWD 7 बार दे सकता है, OBC या OBC PWD 7 बार एग्ज़ाम को दे सकते हैं, SC ST PWD जो है उनके लिए नो रेस्ट्रिक्शन, यानी वो कितनी भी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। पर जो सामान्य कैटेगरी है उसके लिए सिर्फ 4 ही बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अब ये कौन सा एग्ज़ाम 4 बार दे सकते हो वो भी आप देख लीजिए। प्रीलिमिनरी एग्जाम नॉट कंडक्ट एज अटैम्प्ट बट अपेयरिंग इन मेंस इज कंडक्ट। अगर आपका SBPO प्री एग्जाम पास होता है और आप मेंस के अंदर बैठते हो तो वो आपका एक अटैम्प्ट माना जाएगा। अगर आपका SBPO प्री पास नहीं होता तो वो आपका अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा, यानी फिर आपके 4 अटैम्प्ट सेफ रहेंगे आने वाले। अगर SBPO प्री आपका पास होता है और आप मेंस में अपीयर होते हो, मेंस एग्जाम आप दे के आते हो, तो वो आपका एक अटैम्प्ट वहाँ पे ख़राब हो जाता है, फिर आपके पास 3 ही अटैम्प्ट बचेंगे। तो ये बात आराम से समझ सकते हो आप कि जब आप प्री पास करोगे तभी आपका एक जो अटैम्प्ट है वो माना जाएगा, अगर प्री पास नहीं करोगे तो आपका अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा। और जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 4 ही अटैम्प्ट है, और आने वाले ईयर्स में ये और भी कम हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके आप जॉब ले लो। अब बात करते हैं इसके सैलरी की। देखिए SBPO की सैलरी वैसे तो 27,620 है विद 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स इन स्केल ऑफ 23,700, 30,560, 32,850 और 42,000। ये आपके बेसिक पे जो 27,620 है, उसके अलावा आपको बहुत सारे यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। देखिए DA यहाँ पे मिलता है, CCA जो अलाउंसेस होता है वो आपको मिलता है, लीज हाउस एकोमोडेशन आपको मिलता है, फर्नीचर अलाउंसेस आपको मिलता है 1,20,000 फॉर द परचेज फॉर फर्नीचर, मेडिकल इंश्योरेंस आपको 100% SBI एम्प्लॉय 75% आपके फैमिली मेंबर्स को मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंसेंस आपको मिलता है, AC 2 टायर फेयर इज प्रोवाइड, और पेट्रोल आपको मिलता है यहाँ पे 50 लीटर 2 व्हीलर के लिए और 55 लीटर 4 व्हीलर के लिए, और अप्रॉक्स 1,100 से 1,250 यू डोंट हैव 2 या 4 व्हीलर। अगर आपके पास कोई भी व्हीकल वगैरह नहीं है तो यहाँ पे 1,100 से 1,250 रुपये आपको मिलते हैं। तो ये इतने सारे अलाउंसेस SBPO के अंदर आपको मिलती हैं, तो बहुत ही अच्छी एक जॉब मान सकते हैं इसको। तो इसके लिए आपको आगे क्या कुछ करना है, देखिए प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ की अगर बात की जाए, इसका प्रमोशन देखिए प्रोविजनिंग ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर JM जिस स्केल फर्स्ट पे आप सिलेक्टेड होते हो, उसके बाद आप डिप्टी मैनेजर बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, चीफ मैनेजर बन सकते हो, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर, यहाँ तक की पोस्टें हैं, यहाँ तक आप इसमें अपनी करियर ग्रोथ को और बढ़ा सकते हो। अगर आपका वर्क और जो आपका डेडिकेशन है जॉब के प्रति वो कितना ज़्यादा है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रमोशन अपना लेते हो। आगे देखिए यहाँ पे SBPO प्री का सिलेबस देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रीडिंग कंपैरिजन, क्रॉस टेस्ट, पैरा एग्जांपल, स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये कुछ टॉपिक्स रहते हैं।
वैसे तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो इंग्लिश है वो रीडिंग पे बेस होता है। द हिंदू एडिटोरियल आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, द हिंदू का एडिटोरियल डेली पढ़िए और वो केव उसके अंदर आती है, उनको आप अच्छे से रीड आउट कीजिए और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रीडिंग सेंस को बढ़ाइए। जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग सेंस इंग्लिश के अंदर बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम के अंदर फायदा होगा, क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे आ रहे हैं, ना कि ग्रामर के रूल्स पे आ रहे हैं। तो आप अगर SBPU बनना चाहते हो तो ग्रामर के रूल रटो मत। ग्रामर के रूल आपको पता ज़रूर होने चाहिए कि क्या रूल है, पर उनको आप बार बार उन्हीं को रटे जा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी। रीडिंग बढ़ाने के लिए आपको द हिंदू का एडिटोरियल डेली जो आता है वो पढ़ना ही पड़ेगा। वो एडिटोरियल आप पढ़ सकते हो। वो एडिटोरियल ही आपको कौन से पढ़ने हैं, जो इकोनॉमी पे बेस हो या कोई सोशल हो गया, जैसे कोई भी इंडिया का जो भी जनरल अवेयरनेस है उस पे बेस हो, वो भी आप पढ़ सकते हो। बाकी पॉलिटिक्स वगैरह पे आते हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछे जाते। अगर बात की जाए न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो नंबर सीरीज यहाँ पे प्री के अंदर आपको देखने को मिलेगी, 5 क्वेश्चन आएंगे। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आएंगे। DI के आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और मिसलेनियस के क्वेश्चन जो आपको, ये भी 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्री का एग्जाम जो इसका होता है एकदम ईजी होता है, ईजी टू मॉडरेट एग्जाम बोल सकते हैं। लास्ट ईयर इस साल जो एग्ज़ाम हुआ है 2019 का, तो एकदम ईजी वाला एग्ज़ाम आया है, कोई भी उसको क्रैक कर सकता है अगर उसने 3 से 4 महीने अच्छे से प्रिपरेशन की है। रीजनिंग के अंदर आप ये पूरा सिलेबस है एक बार देख सकते हो यहाँ पे। आगे अगर मेंस के सिलेबस की बात की जाए तो मेंस में जाके देखिए, यहाँ पे डाटा एनालिसिस आता है यहाँ पे, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ DI आएंगे आपके, और कुछ भी नहीं आता। टॉपिक DI आते हैं, कैसलेट DI आते हैं, रडार ग्राफ DI आते हैं, मिसिंग केस DI आते हैं, वो सारे के सारे DI जितने भी होते हैं वो टॉपिक बेस्ड DI होते हैं, यानी अर्थमेटिक बेस आपके DI होते हैं। और डाटा सफिशंसी का एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आता है, डाटा सफिशंसी, प्रोबिलिटी, पैरामीटर्स कॉम्बिनेशंस, और आपके बाकी के जो DI बचते हैं वो चाहे लाइन हो, चाहे बार ग्राफ हो, चाहे टेबुलर हो, वो आपके DI होते हैं, टॉपिक बेस्ड DI। ठीक है, रीजनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे सिलोग, सर्कुलर, सीटिंग अरेंजमेंट, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वेटेज रहता है वो इनपुट आउटपुट और सीटिंग अरेंजमेंट का रहता है। यही क्वेश्चन आपसे मेंस के अंदर पूछे जाते हैं। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी भी पूछी जा सकती है मेंस के अंदर, कोडिंग डिकोडिंग भी पूछी जा सकती है, कोर्स ऑफ एक्शन भी आपके आ सकता है, क्रिटिकल रीजनिंग आ सकती है, एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन भी आपसे SBPU मेंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। PU मेंस का एग्जाम थोड़ा सा हार्ड होता है कंपेरिजन प्री के, प्री एकदम ईजी वाला आता है, मेंस थोड़ा सा हार्ड आता है। इंग्लिश के अंदर फिर से वही चीज़ें, ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, कंपेरिजन, तो ये सबसे ज़्यादा आपको रीडिंग जो आपकी बढ़ानी है और वोकैबुलरी जो बढ़ानी है वही आपको मेंस के अंदर पूरा का पूरा। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो मेंस की वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग सेंस पे होती है। कंप्यूटर के पोर्शन आप नॉर्मली पढ़े हुए कंप्यूटर, जो बेसिक कंप्यूटर है वही आपसे पूछा जाएगा मेंस के अंदर। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा पार्ट आता है GA का, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है करंट अफेयर्स का। लास्ट एग्जाम अगर देखा जाए तो वहाँ पे करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से थे, यानी 40 क्वेश्चन यहाँ पे आते थे, तो 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपको देखने को मिलेंगे। तो 90% जो है वो करंट अफेयर से आपको देखने को मिलेगा। बैंकिंग भी आपको यहाँ पे बैंकिंग, करंट अफेयर्स, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इसके अंदर आएंगे। और ये करंट अफेयर्स कब का आता है, लास्ट 7 मंथ आपको पढ़नी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कब से GK पढ़ना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और आगे अपने चलते हैं एग्जाम पैटर्न वगैरह देखते हैं। प्री का एग्जाम पैटर्न ये वाला, देखिए इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं और 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 20 मिनट का टाइम। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है। टोटल 1 घंटे का टाइम, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अब देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है यहाँ पे, न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब है सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे आता है और उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है कैलकुलेशन पार्ट। अगर यहाँ पे होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो उसका मतलब होता है आपका एक लेवल का पेपर, यानी आपको मॉडरेट टू हाई पेपर देखने को मिलेगा। वो मेंस का सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए, 4 सेक्शन होते हैं SBPU में, 200 मार्क्स का होता है। तो देखिए रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चन आते हैं 45, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 60, मिनट भी होती है 60। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मार्क्स 60, 45 मिनट। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन आते हैं, 35 मिनट का टाइम मिलता है, इसमें से 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे। 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन अगर आप बैंकिंग और स्टैटिक नहीं भी पढ़ते हो तो भी आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से, 30 नंबर यहाँ से आते हैं। और SBPU की मेरिट कितनी जाती है वो आगे देखोगे आप, तो आप कहोगे सर यहाँ से अगर अपने 30 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको डेफिनेटली कोई नहीं रोकने वाला SBPU बनने से। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के और 40 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल 155 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलता है। और इसी के साथ आपका जो होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है यहाँ पे, उसके अंदर 2 आपको टॉपिक में दिए जाते हैं, वो आपका रहता है 50 नंबर का। तो आपका टोटल मिला के जो मेंस और डिस्क्रिप्टिव होता है वो 250 नंबर का होता है।
और जो डिस्क्रिप्टिव का आता है वो आपका जो भी बर्निंग इश्यूज रहते हैं या जो भी करंट में कोई भी एडिटोरियल द हिंदू का एडिटोरियल है वहीं से उठाए जाते हैं क्वेश्चन, और जो भी बर्निंग इशू रहता है उस पर संबंधित ही आपसे क्वेश्चन आते हैं और ईजी आते हैं, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आते, हर कोई उसको अटैम्प्ट कर सकता है अगर कोई डेली न्यूज़ पेपर पढ़ता हो तो। अब देखिए एस बी पी ओ प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करते हैं 2019 की। सबसे मेजर चीज़ यही होती है कि कट ऑफ क्या रहेगी, इस साल क्या आती तो नेक्स्ट ईयर क्या रहेगी, तो यही रहता है। इस बार की अगर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात की जाए एस बी पी ओ प्रीलिम्स की, तो वो 71 नंबर थी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है। आई बी पी एस पी ओ की कट ऑफ इससे कम रहती है, पर एस बी पी ओ की इस बार कट ऑफ जो है वो 71 नंबर गई है। तो आप अब समझ सकते हो कि कितना ईजी पेपर होगा, एकदम हलवा वाला पेपर था, एकदम ईजी वाला पेपर था, तभी ये इतनी कट ऑफ गई है। अगर एस सी की बात की जाए तो 61.75, एस टी की बात की जाए तो 54.75, ओ बी सी की बात करें तो 68.25, बाकी ए डब्ल्यू एस की और ओ बी सी की सेम कट ऑफ है लगभग। पी डब्ल्यू डी आप कट ऑफ यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो अब प्री का एग्जाम जो आपका होने वाला है 2020 के अंदर है, तो वो एकदम ईजी वाला आएगा, कट ऑफ यही जा सकती है या इससे ज़्यादा या कम हो सकती है, वो जब एग्ज़ाम देखे आओगे तब पता लगेगा। अब देखिए यहाँ पे मेंस की कट ऑफ भी आप देख लीजिए, ये कट ऑफ 250 में से है, 250 का मतलब डिस्क्रिप्टिव मिला के, ठीक है। तो जर्नल की है वो 104 नंबर, अब 250 में से 104 नंबर। अब मैं आपको बता रहा था कि अगर जीए के अंदर करंट अफेयर्स के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर वो 30 मार्क्स आपके वहाँ पे आते हैं तो अब देखिए आप पीछे कितने मार्क्स बचे हैं, सिर्फ 70 मार्क्स पीछे बचे हैं आपके। तो 70 मार्क्स आपको बाकी के सब्जेक्ट में कवर करने हैं, सिर्फ ये करंट अफेयर से 30 नंबर यहाँ से आपके कवर हो रही हैं। ओ बी सी की 94 कट ऑफ है, एस सी की 82.50, एस टी की 70.63 है, ई डब्ल्यू एस की 100.89 है, बाकी एल डी एच आई आप यहाँ पर कट ऑफ चेक कर सकते हो। इसके बाद देखिए एस बी पी ओ ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू कट ऑफ, ये आपके 50 मार्क्स का होता है, जी डी प्लस इंटरव्यू। तो जर्नल के कट ऑफ 50 में से 20 मार्क्स रही है जी डी प्लस इंटरव्यू दोनों की, ओ बी सी की 17.50, एस सी की 17.50, एस टी की 17.50 और ई डब्ल्यू एस की भी 20 कट ऑफ गई है। इसके बाद फाइनल कट ऑफ जो मेरिट बनती है आपकी नॉर्मलाइज करके 100 में से, वो आपकी रही है जर्नल की 54.11, ओ बी सी की 48.78, एस सी की 45.74, एस टी की 43.90, ई डब्ल्यू एस की 50.13। तो ये आपकी कट ऑफ रही है। ये जो 100 वाली कट ऑफ होती है ये दोनों को मिलाया जाता है, मेंस के जो 250 नंबर होता है उसको और प्लस जो आपका 50 नंबर का जी डी और एक्सरसाइज होता है, तो ये 300 में से 100 नॉर्मलाइज किया जाता है, फिर वो आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है एस बी पी ओ के अंदर। अब एक साल और पीछे चलें तो एस बी पी ओ की कट ऑफ देखिए 2018 की, देखिए प्री की कट ऑफ है 2018 की, जर्नल की 56.75 और इस साल 71 कट ऑफ। तो अब आप खुद ही देख सकते हो कि लास्ट ईयर से पेपर इजी आ रहा है, पेपर अब वही स्टूडेंट करेगा जिसकी एक्यूरेसी 100% है और स्पीड जिसकी बहुत ज़्यादा है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, कॉन्सेप्ट अगर आपके बहुत अच्छे से क्लियर है तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, और स्पीड आपकी और एक्यूरेसी दोनों चीज़ें यहाँ पे आपके साथ होनी चाहिए, उसके अलावा आप पेपर को क्रैक कर नहीं कर सकते अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है। सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी का जो मैटर है वो रहेगा। एस सी की 49, ओ बी सी की 54.25, ये आपकी बाकी कट ऑफ आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज, और एस बी पी ओ मैथ्स 2018 की कट ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पे, टोटल मार्क्स 250 में से देखिए यहाँ पे जनरल की 93.10 और इंटरव्यू की 20 नंबर कट ऑफ, टोटल नॉर्मलाइज करके जो आपकी कट ऑफ रही थी वो 50.79 रही थी 2018 के अंदर। तो ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है किस तरह से एस बी पी ओ का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या इसके अंदर प्रमोशन वगैरह होता है, कितनी सैलरी होती है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अब अपनी बारी आती है कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी है और एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन किस तरह से लेना है। देखिए पहले अगर बात की जाए तो प्री के अंदर सिर्फ तीन ही चीज़ें यहाँ पे आती है, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। रीजनिंग और मैथ इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आती, अगर आपको एस बी पी ओ बनना है तो आपको इंग्लिश में आपकी रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी, ग्रामर से काम नहीं चलेगा, आपको रीडिंग बढ़ानी पड़ेगी। रीडिंग बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली बेस पे आपको एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा, एडिटोरियल पढ़ के उसकी वोकैब भी आपको देखनी पड़ेगी, तभी आप प्री क्लियर कर सकते हो। मैथ और रीजनिंग आपकी एकदम इजी वाली होती है, जो हम अनअकैडमी पर करवा रहे हैं वो वाली आती है, तो अनअकैडमी पे जाके फॉलो करके आप वो चीज़ें देख सकते हो। अब अगर आपको कोई और इसके रिगार्डिंग किसी को पर्सनली कोई सजेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पे आ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ईमेल दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप किसी भी तरह से आपको कोई भी हेल्प चाहिए एस बी पी ओ 2019 जिनका भी करेक हो चुका है तो उनसे भी अपनी बातें होती रहती है, और एस बी पी ओ 2020 जिनका भी टारगेट है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर लीजिए। तो
तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी और आप डेफिनेटली SBPO 2020 के अंदर सेलेक्ट होंगे। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। और इसका नोटिफिकेशन कब आता है, एग्जाम डेट कब आती है, वो थोड़ी सी डिस्कशन करना है अपने। देखिए, इसका नोटिफिकेशन आएगा आपके मार्च के एंड में और अप्रैल के स्टार्टिंग में। मान के चलिए 1 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आता है SBPO का 2000 वैकेंसी के साथ। और इसका एग्जाम जो होता है वो मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट में, यानी जून की स्टार्टिंग के अंदर इसका जो है प्री का एग्जाम होता है। तो आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का टाइम है, 6 मंथ का आपका टाइम है। जून के स्टार्टिंग के अंदर इसका एग्जामिनेशन होता है। हो सकता है इस बार थोड़ा सा जल्दी हो जाए, तो वो भी हो सकता है। तो आप मान के चलिए आपके पास यहाँ पे अगर आप बात कीजिए 100 दिन से ऊपर आपके पास दिन है, यानी 100 तो आपके मिनिमम दिन है, 100 से ऊपर आपके पास दिन बचे हुए हैं प्री के एग्जाम के लिए SBPO के। तो आप अब आराम से प्रिपरेशन कीजिए, आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एक सही डायरेक्शन के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और एक सही गाइडेंस आपको चाहिए। ये नहीं है कि आप प्रिपरेशन करने आज से ही सारे टॉपिक एक दिन में हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक स्टडी प्लान आपका बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको बहुत जल्द शेयर करूंगा। स्टडी प्लान 2020 के लिए आपको किस तरह से बनाना है, वीडियो उसका बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को उसमें दिक्कत ना आए। और जैसे जीए का मैंने करंट अफेयर्स का बताया, तो आप 1 जनवरी से करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर्स अपने चैनल पर मैंने स्टार्ट कर दिया है, शायद आज ही मेरा वीडियो आया, 13 दिसंबर का वीडियो आया। तो उसके बाद से अपने डेली बेस पे करंट अफेयर्स करेंगे और 1 जनवरी से एक नई शुरुआत के साथ और अच्छे से आपके करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि SBPO 2020, SBI क्लर्क 2020, RRBPO, RRB क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क 2020, कोई भी आपका बैंक का एग्जाम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, और उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन दिए हैं, मेरे को पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इन्होंने कभी IBPS का ऑनलाइन एग्जाम तक नहीं दिया, वो लोग आपको क्या बताएंगे, क्या आपको गाइडेंस देंगे। आप मोस्टली स्टूडेंट उनके पीछे हैं कि सर उनके पास, उन्होंने बैंक में जॉब की है, उनके पास एक्सपीरियंस है। तो भाई जब आप बैंक के अंदर जाओगे तभी एक्सपीरियंस आपका काम आएगा। अभी आप फिलहाल बैंक से बाहर हो तो उन लोगों का एक्सपीरियंस आपका क्या काम आएगा, क्योंकि वो तो बैंक का एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं ना, एग्जाम का एक्सपीरियंस उन्होंने एग्जाम दिए ही नहीं। वो तो बहुत पहले के सेलेक्ट हुए, जब 1980-1970 में सेलेक्ट हुए बैंक के अंदर, उस टाइम कौन से IBPS के एग्जाम होते थे। तो आजकल के जो एग्जाम आ रहे हैं वो आप उन्हीं लोगों के टच में रहिए जो एग्जाम देते हैं, जिनको पता है कि क्या कुछ एग्जाम के अंदर आएगा, ना कि ऐसे लोगों को जिनको पता ही नहीं कि एग्जाम में क्या आएगा, उन्होंने सिर्फ मुंह उठाया और प्रेडिक्ट कर दिया ये आएगा, ये आप ऐसे कर सकते हो। एक बार उनसे पूछिए कि आप एग्जाम दे के आइए, फिर आप एक बार ऑनलाइन एग्जाम दो, फिर हमें बताओ कि किस तरह से क्या करना है। ऐसे मुंह उठा के हर कोई बता सकता है, हर किसी को पता है कि IBPS के एग्जाम में ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, इसके अंदर ये टॉपिक है, इसको ऐसे ऐसे कर लो। करने और कहने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो ये लोग आप भी समझते हो। और जो रियल एग्ज़ाम दे के आता है उसको एक अलग चीज़ होती है, और जो नहीं दे के आता वो एक अलग मैटर होता है, उसको पता ही नहीं कि लेवल क्या है क्वेश्चन का, तो वो लोग क्या प्रेडिक्ट करेंगे। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बच के रहिए, ऐसे लोगों के आप बार बार सिर्फ वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। जब कुछ अब आप पे डिसीजन है कि आप उनके साथ जाना चाहोगे, या जो लोग रियल में एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं जिनको पता है कि क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, एग्जाम क्या ट्रेंड क्या चल रहा है, या उन लोगों के, तो ये आप पे डिपेंड है कि आप जॉब चाहिए या नहीं चाहिए। अगर जॉब चाहिए तो हमारे जैसे लोगों को साथ है ये आप, और हम आपके साथ हैं हर सम हर टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, और बेस्ट बिजनेस SBPO 2020, SBI क्लर्क 2020। क्लर्क भी 90% चांसेस है कि 2020 के अंदर आएगा, उसके लिए भी स्टडी प्लान में डाल दूँ जल्दी, और स्टडी प्लान में SBPO के लिए डाल रहा हूँ, तो वो जरूर देखना।